चैनल नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और मुझे ये जो वेलकम बैक टू माय चैनल है ना, ये लाइन इतनी क्लीशे लगती है, मैं क्या बताऊं। क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द मतलब यूट्यूब वीडियोस में चालू करती हूँ और उनमें एकदम से अंग्रेजी एक्सेंट में, वो भी क्योंकि मेरा तो वो एक्सेंट है नहीं, मैं तो हिंदी बोलती हूँ, मेरा हिंदी एक्सेंट है एकदम, उनका ऐसा अंग्रेजी एक्सेंट में आता है वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मुझे इतना मतलब अजीब सा लगता है ये लाइन, अगर मैं बोल भी देती हूँ तो। फर्स्ट टाइम मैंने अपने चैनल पे बोली है, सो सॉरी फॉर दैट। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज मैं रिएक्ट करूंगी खाना बदोश सॉन्ग पर। मुझे पता है आप लोग इस रिएक्शन का बहुत वेट कर रहे थे, काफ़ी सारी रिक्वेस्टें आई नहीं मेरे पास, तो आज ठीक है जी, रिएक्ट कर देते हैं। दिस सॉन्ग इज डन बाय तला अंजुम जी, जो कि है JJ47 एंड नबील अकबर। सो लेट अस लिसन कि क्या है इस गाने के अंदर, और देखते हैं, सुन के डेफिनेटली मजे आएंगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है ये चीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भी बहुत क्लीशे लाइन है बॉस, वो भी नहीं बोलने वाली मैं। तब तक जिस जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, हेलो। ओके स्टार्टेड, स्टार्ट इट बोले। स्लो इमोशनल रैप हो, मुझे बहुत पसंद है स्लो रैप्स, मतलब दिल जख्मी कैसे मुझे मर्ज छोड़े, ये खुशी को तरसे और मुझे नहीं दर्द छोड़े। माँ बोली बेटा बने हाफिज, दर्द छोड़े पढ़ा करो सुनते, और मैंने यहाँ फर्ज छोड़े। जितना आगे बढ़ा लोगों से है गर्ज छोड़े, पढ़ा ना कुरान मैंने पेश जेर जबर छोड़े। जिंदगी जीती है बिना चीट कोड्स के, लीव मी अलोन, मैंने काम सारे कर छोड़े। 10 साल मैंने 5 अपने घर छोड़े, जाने क्या सब कुछ किया किसकी खातिर। मेरा कोई नहीं ठिकाना, पंजाबी भी होके मैं लगता महाजिर। ये है जाहिर खेलती है खेल दुनिया, fuck being legend, I die young brother। औकात की और जात की बात करूं बाद में, पाँव कैसे फैला था जब थी ही ना चादर। माना ऐसे कामों में तो थोड़ा होता रिस्क, विस सीधा बंदा सीधी बातें नहीं। ओ माय गॉड, ये अपनी लाइफ की रियल जो चीजें हैं वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे इन्होंने स्ट्रगल्स करे हैं। एंड आई कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रगल्स टोटली, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग राइट नाउ इन माई लाइफ। और मैंने भी ये जो चीज़ें इन्होंने सारी मेंशन करी ना, तो वो सब उन चीज़ों के अंदर से मैं खुद भी गुजरी हूँ, तो मुझे पता है कि कैसा होता है स्ट्रगल करना। बोलना भी कितना हार्ड होता है कि हाँ यार, दिस इज ऑलवेज हैपनिंग। तुझे लगे तेरा अब सही सब सही, शुक्र कर खुदा का अभी छोड़ तुझे लगी ना। हासिल है इन चीजों से क्या हासिल है, कातिल है ये खुद का कातिल है। लोग देखूं आगे बड़े सीढ़ी चढ़े और जज करूं खुद को, क्या ये इतना काबिल है। आम मिले मुझसे लोग कितने आम मिले, गले लगे साथ चले जैसे माँ मिले। जा मिले तुझे अच्छा हिस्से ला मिले, फहरिस बुराई की और जे भी उसमें शामिल है। कब तक लेके चलू सीने में ये बोझ, मैं बिना नशे के भी रहता हूँ मदोश में। इनकी लिटरली अभी ये जो सब बता रहे थे ना, इसमें ये सच में इमोशनल हो गए थे। आई कैन सेंस इट इन द वॉइस, मतलब वो मेरे को वाकई में फील हुआ कि ही स्टार्टेड क्राइंग समथिंग लाइक दैट। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अपन जैसे अपन रोने लगते हैं थोड़ा सा, तो अपनी वॉइस चेंज हो जाती है, बोलना मुश्किल हो जाता है। वो चीज अभी हुई गाने में, उस पे शामिल है। कब तक लेके चलूं सीने में ये बोझ, मैं बिना नशे के भी रहता हूँ मदोश में। खोरा होश में डूबा गहरी सोच में, बदल का ठिकाने जैसे हूँ खाना बदोश में। कब तक लड़ूं अपने आप से यूं रोज में, गलत फैसले ना ले लूं कहीं। बदलता ठिकाने जैसे हूँ खाना बदोश में, कब तक लड़ूं अपने आप से जैसे हूँ खाना बदोश में। कब तक लड़ूं अपने आप से यूं रोज में, गलत फैसले ना ले लूं कहीं जोश में। खोरा होश में डूबा गहरी सोच में, बदलता ठिकाने जैसे हूँ खाना बदोश में। बदलता ठिकाने जैसे हूँ खाना बदोश में। बदलता ठिकाने जैसे हूँ खाना बदोश में। बदोश।
समझ नहीं आ रहा के मैं फंसा हुआ कैसी जगह, ढूंढे सहारा दिल ये दे रहा खुद को कैसी सजा। हसरत भरी निगाहें दर्द में भी मुस्कुराए खो चुके हैं लफ्ज जैसे लिख रहा मैं पहली दफा। मेरी जगह रख के देख तू अपने आप को, पैदा होते ही खो दिया जिसने बाप को। माँ मेरी जन्नत जिसके लिए करता मैं मन्नत, जीते जी मैं हर खुशी अब अपनी देना चाहता आपको। तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में था ही कौन। अकबर जी के ये लिरिक्स हैं एंड बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि पैदा होते ही इनके जो पिताजी थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। और द स्ट्रगल इज़ रियल मैन, द स्ट्रगल इज़ रियल। तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में था ही कौन, आज मुझको जाने वाले माने अपना आइकॉन। देख वक्त बदल रहा ये नहीं रहा पहले जैसा, फिकर नहीं कर माँ अब सबसे लड़ लेगा खुद तेरा बेटा। हाँ मैं बदल चुका, मैं पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था, नहीं ज्यादा पढ़ सका बस पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। फिर भी मैं बेहतर तुझसे डरते काफी रैपर मुझसे पास, तेरे सब कुछ बस ये जिगरा मेरे जैसा नहीं था। म्यूजिक का शौक था तब पर ये मेरा पेशा नहीं था, यही शौक मेरा बदल गया दीवानगी में। हंसी खुशी देने के लिए राजी अपनी जान भी, आज भी जी रहा जिंदगी अपनी सादगी में। आज भी याद करूं गुजरे हुए साथी गम और खुशियां जिनसे बाटी, रातें अच्छी बुरी काटी मेरे हिस्से में क्या मालिक। लिखी से बर्बादी या मैं बातों पे जरा सी फिर से हो रहा जज्बाती, अब आके लड़े मुझसे किसी में नहीं तब पड़ जितने मर्जी ला। ये जो अभी इनका पूरा लिरिक्स था इसके अंदर इन्होंने बेसिकली बताया कि कितना ज्यादा पैशन है इनको म्यूजिक के लिए। पहले शौक के तौर पे ऐसा ही होता है, पैशन यही होता है बचपन में, आप ऐसे शौक के तौर पे करते हो कि हाँ मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, मुझे रैप करना अच्छा लगता है, और फिर वो धीरे धीरे करके यू कम टू नो दैट दिस इज योर पैशन। यू डोंट फील कि टाइम आपको लंबा फील नहीं होता जब आप अपना पैशन का काम कर रहे होते हो। तो बहुत इनके रियल लाइफ स्ट्रगल्स के अंदर इन्होंने बताया कि कैसे स्कूल कम जा पाए, मतलब ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। बट लेट मी टेल यू कि जिंदगी जो आपको सिखाती है ना वो स्कूल की पढ़ाइयों से तो बहुत ऊपर है बॉस, बहुत ज्यादा। अब आके लड़े मुझसे किसी में नहीं तब पड़ जितने मर्जी ला, अकेला भारी हूँ मैं सब पर, किसी मुकाबले से हटा नहीं पीछे कभी मैं। नबील अकबर शेर वो भी बब्बर। कब तक लेके चलूं सीने में ये बोझ मैं बिना नशे के भी। मैं नबील अकबर जैसे शेर बब्बर, ये मुझे लाइन वाकई में बहुत अच्छी लगी है यार, बहुत सही। बिना नशे के भी रहता हूँ मदहोश में, खोरा होश में डूबा गहरी सोच में, बदलता ठिकाने जैसे हूँ खाना बदोश में। कब तक लड़ूं अपने आप से यूं रोज में, गलत फैसले ना ले लूं कहीं जोश में, खोरा होश में डूबा गहरी सोच में, बदलता ठिकाने जैसे हूं खाना बदोश में, बदलता ठिकाने जैसे हूं खाना बदोश में। जिक्र भी क्या उससे भला मेरा, उससे रिश्ता ही क्या रहा मेरा। आज मुझको बहुत बुरा कहकर आपने नाम तो लिया मेरा, आखिरी बात है तुमसे कहना, याद रखना तुम ये कहा मेरा। अब तो कुछ भी नहीं हूँ मैं वैसे, कभी वो भी था मुब्तला मेरा। अब पैसा पीर नशा कमान पैसा तीर, और कैसा प्यार कैसे यार और कैसे वीर। अब ना है रांझे ना लैला और ना कोई हीर, अब मैं खाना बदोश हसल की है मुंडीर। वो सुन के मुझे हो जाते हैं आप दीदा, तू लड़का था लड़कपन में बेटा मैं आदमी था। I broke your bag, I smoke a bag, I break your leg, I take your life, no remorse. So fuck your fam and fuck your fame and fuck your fans, the fuck you saying, the fuck who cares, fuck your side and fuck your mains, fuck your call and fuck your plans, I got it all, मैं ढूंढता चैन। कराची किंग जरूरत नहीं ताज की, मेरी कल की हसल जो आसानी लगे आज की। शाहीन हूँ मैं कभी गिराना, और गिर के उठा तो फिर उड़ने से मैं डराना। स्मोक ट्रीज बिला नागा बादल मेरा सिराना, कौन कितने पानी में था फिर भी उसमें तैराना। कब तक लेके चलूं सीने में ये बोझ मैं, बिना नशे के भी रहता हूँ मदहोश मैं, खोरा होश मैं डूबा गहरी। तला अंजुम का तो जो फ्लो आता है, मैं आई डोंट नो समथिंग स्टार्ट्स हैपनिंग इन माय बॉडी इन माय माइंड, मतलब एकदम खो जाती हूँ, एकदम मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है, रोजी चीक्स हो जाते हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन इट इज हैपनिंग बट आई एम लविंग इट। और जो फ्लो आया था ना बॉस, आई एक्चुअली लव्ड इट। एंड द हसल कर रहे हैं एवरीथिंग उन्होंने बोला अपने रैप के अंदर, ये रैप मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। जैसे कभी इनका रीसेंट रैप आया था ना अफसाने, वो भी स्लो इमोशनल रैप था, तो ये भी वैसा ही रैप है। सो आई एम लविंग इट,
हर एक लाइन इतना सिंपल सीधा सब समझ आता है, बढ़िया लगता है। खोरा होश में डूबा गहरी सोच में बदलता ठिकाने जैसे हूँ खाना बदोश में, कब तक लड़ू अपने आप से यूं रोज में, गलत फैसले ना ले लूं कहीं जोश में। खोरा होश में डूबा गहरी सोच में बदलता ठिकाने जैसे हूँ खाना बदोश में, 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 बदलता ठिकाने जैसे हूँ खाना बदोश। This is what happens when you get in the flow of music. आपको होश नहीं रहता। क्यों खत्म हो रहा है ये गाना? मुझे ये फ्लो ब्रेक करना ही नहीं है, पर इट्स ओवर। सॉरी यार, बीच में मैंने खाना बदोश का मतलब नहीं बताया। आई होप आप लोग को पता होगा, क्योंकि बहुत सिंपल होता है यार। बचपन से अपन ने सुना है कि वो इंसान जो दर बदर भटकता रहता है, एक फिक्स जगह जिसकी नहीं होती एकदम, और फिक्स जगह हसलर्स की नहीं होती, हसल करने वाले जो होते हैं ना, उनको अलग अलग पूरा एक्सपीरियंस करना पड़ता है अलग अलग जाके जगह पे। दैट्स व्हाई ही इज खाना बदोश, दैट खाना बदोश राइट नाउ, एंड आई एब्सोल्युटली लव द सॉन्ग। मेरी वॉइस पता नहीं क्यों चेंज हो जाती है इन लोगों के गाने सुन के। मुझे वाकई में नहीं लगा था कि हटो बच्चों गाना मेरे को इतना ज़्यादा अंदर तक स्ट्राइक करेगा कि मैं रोज़ इनके गानों पे रिएक्शन देने लग जाऊंगी। हर दूसरे दिन तो आ ही जाता है, एंड स्पेशली तला अंजम का आ जाता है, मतलब और किसी का नहीं। बट ये तो मुझे इतना ज़्यादा, इट हिट मी हार्ड, एंड मुझे ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ही इज़ लीन एंड ही लुक्स वेरी स्मार्ट, मतलब मुझे स्मार्ट लगते हैं। सबके अलग अलग नज़रिए होते हैं, और वैसे भी तला अंजम तो हर किसी को स्मार्ट लगते ही हैं। एंड द वे ही रैप्स, आई थिंक ही इज़ अ रैप गॉड, बट ही इज सो सेटल दैट। इतने सारे अपने रैप्स के अंदर इन्होंने बोला है कि मैं आई एम नॉट अ रैप गॉड, आई एम जस्ट अ गॉड्स प्लान। सो लव यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी रिएक्ट ऑन दिस सॉन्ग खाना बदोश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एज आई सेड अर्लियर, लाइक दिस अल्लाह। And also on my another YouTube channel where I create content, बताती हूँ कि please bag food मत खाओ, क्योंकि मैं भी नहीं खाती हूँ, मैं बहुत healthy हूँ, and I don't want you to be sick or anything like that, because it makes you sick actually, mentally, physically, spiritually, हर तरीके से। So just go and watch those videos. Bye bye. This is Kilaya Reacts.